ड्रामा hey सीरीज की जो एक्ट्रेसेस होती है वो इतनी स्लिम एंड क्यों होती है, like कोई होता है तो बात अलग है।, तो है अभी इफ़ यू डो नॉट बिलीव मी जस्ट एक अ लुक लेट स्टार्ट विद हांडे बिकॉज शी इज इमेंसली फेमस सडनली पिछले कुछ साल में बहुत ही ज्यादा वो थिन हो गई है देन इंस्पाइट ऑफ लव करके एक सीरीज था जिसमें एक लड़की थी जो डेफनी का कैरेक्टर प्ले करती थी पतली दिखाई दे रही थी एंड ऐसे कई सीरीज है जिसमे सी बॉडी स्ट्रक्चर किसी टीन एजर जैसा लगता है अभी कुछ लोग इसमें से आपको थीनने लगेंगे पर अगर आप इन्हें कई सालों से फॉलो कर रहे हो तो यू विल नोटिस की सडनली पिछले कुछ सालों में इनका वेट ड्रॉप हुआ है वो भी ड्रास्टिकली स्लिम दिखने के लिए इवन एग्रेसिवली डाइटिंग एंड वर्कआउट भी ये लोग करते है एंड अगर आप ऐसे सीरीज देखते हो ना तो एक पैटर्न यू विल नोटिस कि वहां शॉर्ट क्लोथ्स और यू कैन से रिवीलिंग क्लोथ्स इज समथिंग जो स्टाइलिस्ट प्रिफर करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर नाउ रिवीलिंग क्लोथ्स आर फाइन विद मी बट आई एम रेजिंग दिस पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड वॉन्टिंग टू बी स्लिम तो देखो रिविलिंग क्लोथ्स में बॉडी दिखता है एंड अगर आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जैसे हो वैसे आप खुद को कैरी करने में हिचकिचाते नहीं पर ये ग्लैमर इंडस्ट्री में हर एक्ट्रेस के बीच में ब्रूटल कॉम्पिटिशन होता है दे हैव दिस थिंग कि उन्हें परफेक्ट दिखना है कैमरा पे उन्हें ब्यूटिफुल दिखना है अदरवाइज दे विल बी रिप्लेस्ड एंड कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग

And you know end में क्या हुआ गया कि ये जो की है वो मेन लीड के लिए फिट नई बैटरी उसे नहीं सकते थे डाला जा रहा है आई फील फॉर कहानी अच्छी नहीं होगी तो सीरीज चलेगा कैसे पॉइंट सुंदरता पे वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है अपना बॉलीवुड भी इतना ब्रूटल नहीं है ये केस में। साल तक नहीं चला आई एम नॉट डिनाइंग दैट हमारे यहाँ बट एटलीस्ट डिफरेंट बॉडी टाइप्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे पर सेम कान बी सेट अबाउट टर्किश इंडस्ट्री अ वे वहाँ का जो ब्यूटी स्टैंडर्ड ना वो काफी ज्यादा सेट किया गया है स्लिम फिगर को ऑलरेडी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर फिल्टर लगा के ये सीरीज में एक्सट्रीम गोरा एक्ट्रेसेस को दिखाया जाता है प्लस दैट फ्लॉलेस स्किन नाउ यू विल वंडर कि सीरियल्स के दौरान हाउ कैन दे यूज फिल्टर्स तो इतना अग्रेसिव टचअप का जो कल्चर है ना वो हमारे यहाँ के सीरियल्स में आपको देखने नहीं मिलता होगा इस वजह से ये थोड़ा ऑड है हमारे लिए पर कोई भी टर्की सीरीज आप देख लेना एक ब्लरिंग इफेक्ट आपको वहाँ देखने मिलेगा लोगों के फेसेस पे एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहा है कि यू हैव अ टाइनी वेस्ट ये अगर किसी लड़के ने लड़की को बोल दिया ना तो टाइनी वेस्ट इसको एस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है ब्रॉड वेस्ट देन देट इज नॉट कंसिडर्ड कॉम्प्लीमेंट इन्हें उसे एज अ इंसल्ट या इम्परफेक्शन के तौर पर लिया जाता है फिर लेडीज को स्ट्रेस भी आ जाता है अगर उनका जीन्स में वेस्ट साइज जो है ना वो बढ़ता गया तो दे वॉन्ट टू फिट इन दैट ट्वेंटी एट वेस्ट वाला जीन्स लाइक like, कैसे होगा पूरी जिंदगी तो हम टीनेजर रहने नहीं वाले बॉडी चेंज होगी यू विल ग्रो एंड जब दूसरे बॉडी पार्ट्स चेंज हो रहे हैं तो वेस्ट टाइनी रह के अकेला क्या करेगा सो दिस इज अ टॉक्सिक टॉक्सिकोशन जो लड़कियों के दिमाग में डाला जाता है कि टाइनी वेस्ट मीनस योर सेक्सी एंड यही सोचना कई लोगों को डिसऑर्डर्स की तरफ ढकेलता भी है कई लड़कियों की स्टोरी सामने आई है जहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनल की मदद नहीं ली वेट लॉस के लिए इंस्टेंट खुद ही डिसाइड कर लिया दैट उनका वेट इज नॉट प्रॉपर एंड अकॉर्डिंगली अपना डाइट बना लिया जनरली ऐसे केसेस में ना इनिशियली लड़कियां एक्चुअली हेल्दी होती है उनका वेट उनके हाइट स्ट्रक्चर के हिसाब से परफेक्ट होता है बट स्टिल के चक्कर में वो खाना पीना ही ऑलमोस्ट छोड़ देती है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है ना कि वो इन वे ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप करता है एक हेल्दी बॉडी को बॉडी खाना एटेंस होल्ड नहीं कर पाता एंड बाहर फेंक देता है क्योंकि सडनली कम खाना मिलने की वजह से सो so, ये कल्चर के बारे में डिस्कस करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ सीरीज के ऑडियंस काफी ज्यादा है एंड बॉडी इश्यूज़ ना और एक वे भी होता है परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लेट मी गिव यूर सीनारियो समझो आपका बॉडी वेट इज अराउंड फिफ्टी फाइव एंड जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें कई ऐसी लड़कियां हैं वो आर कि उनका वेट बिलो फोर्टी है इवन दिनो में यू विल बी हेल्दी बिकॉज योर वेट इज परफेक्ट एज पर बी एंड आपकी जो फ्रेंड्स है वो एक्चुअल अंडर है पर क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में हैं, तो एज अ ग्रुप जब भी आप उनके साथ हैंग आउट करोगे तो आप खुद को उनसे कंपेयर करना शुरू करोगे एंड आफ्टर अ वाइल यू विल फील कि अरे आई एम फैट यू वॉन्ट रियलाइज दैट दे आर अंडर वेट आप खुद में कमियां निकालोगे सेम विल हैपन इफ है

Suddenly she decided to lose weight. Anyways, she was beautiful शी वॉज beautiful एंड also. अगर वो ये चेंज से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है तो नो वन कैन क्वेश्चन हर चॉइस बट जस्ट बिकॉज शी डिड इट तो डजन मीन उसको देख के हर फैंस ऑल्सो शुड फॉलो हर एंड उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो पूरे वर्ल्ड में है शी इज वेरी फेमस तो बीच में वो जॉ लाइन वाला ट्रेंड आया था ना शार्प जॉ लाइन वैसे ही कुछ हांडे का जब नया सीरीज रिलीज हुआ था तब यह ट्रेंड चला था हर जॉ लाइन वेर सो डिफाइंड एंड इफ यूर समन लाइक मी डबल चेन देन दिस ट्रेंड विल नॉट बॉदर यू बट इफ यूर समू वॉन्ट जस्ट वॉन्ट सच डिफाइन जॉयर लाइन खुद के बॉडी को भूखा रख के वेट कम करने की जरूरत नहीं है गो फॉर कॉन्टोरिंग ये जो ऑब्सेशन है ना टाइम वेस्ट का शार्प जॉयस का ये फीचर वो फीचर का स्टे अवे फ्रॉम दैट पतला होने का जिद अगर आपने ठान लिया तो वो भी जाओगे बट एट वॉट एक्सपेंस थोड़ा एक्सर्शन हो गया तो कई लड़किया है जो डाइट की वजह से चक्कर आके गिर जाती है एंड वैसे लोग खुद को रिस्क में डाल रहे हैं इमेजिन ऐसे भी कई लोग है जिन्हें लगता है की डायट पे हो तो चक्कर आके गिर इज समथिंग दैट है

तो रोज टर्फिश ड्रामा अगर आप देखते हो तो दैट इज ओके पर स्क्रीन पे क्योंकि थिन एंड स्लिम एक्ट्रेसेस देखने मिल रही है तो खुद को भी वैसे बनाने की कोशिश मत करना सो यार दैट से डू लेट मी नो वट आर योर थॉट्स ऑन दिस ये स्लिम फिगर का जो ऑब्सेशन है की आपने वो कभी फील किया है एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू